इस बिजनेस में इतने सारे पैसे आते हैं, ऐसी बात सही नहीं है। इस बिजनेस में उतने ही पैसे आते हैं जितना आप काम करते हैं। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज और आप सबका स्वागत है एपिसोड नंबर 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग FAQ। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब हम इस खास सीरीज में देते हैं। मेरी YouTube सीरीज पे फ्री सीरीज है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक खास सवाल जो हर प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटर से पूछता है। सवाल क्या है? इस बिजनेस में इतने सारे पैसे कैसे आते हैं? जवाब बहुत सरल है। इस बिजनेस में भी वैसे ही पैसे आते हैं जैसे कि दुनिया के किसी भी और बिजनेस में आते हैं। मान लीजिए किसी का एक बिजनेस है जिसमें वो डेल के लैपटॉप बेचते हैं। क्या बेचते हैं जी? डेल कंपनी के लैपटॉप्स। एक लैपटॉप बेचते हैं तो 1000 रुपये मिलते हैं, 10 बेच देंगे तो 10,000, 100 बेच देंगे तो 1,00,000। कोई शख्स है कोलगेट के टूथपेस्ट बेचते हैं, 10 रुपया एक टूथपेस्ट पे प्रॉफिट होता है, 10 रुपये कमाई होती है एक टूथपेस्ट पे। अगर वो 100 टूथपेस्ट बेचेंगे तो कितने पैसे बनेंगे? 1,000। अगर वो 1,000 टूथपेस्ट बेच देंगे तो कितने पैसे बनेंगे? 10,000। 10,000 टूथपेस्ट बेचेंगे तो कितने पैसे बनेंगे? 1,00,000। देखिए, पूरी दुनिया में कहीं पे भी पैसे वॉल्यूम से आते हैं, सेल से आते हैं। चाहे आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे फिर आप ई कॉमर्स में हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे फिर मेरे दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करते हो, मनी कम्स विद वॉल्यूम। इस बात को यहाँ गांठ बांध लीजिए, इधर दिल पे बैठा लीजिए, पैसे वॉल्यूम के हिसाब से आएंगे। हर एक प्रोडक्ट की सेल पे कितने परसेंट कमीशन आना, कितने रुपए की इनकम आनी है वो तय होता है। आप जितना ज़्यादा बेचेंगे ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। इस बिजनेस में इतने सारे पैसे आते हैं, ऐसी बात सही नहीं है। इस बिजनेस में उतने ही पैसे आते हैं जितना आप काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस बिजनेस में, वो आते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे आते हैं। और कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो इस बिजनेस में अपने अलावा कुछ और लोगों की टीम का निर्माण करते हैं, अपनी ब्रांचेस का निर्माण करते हैं, अपने साथ कुछ पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं और फिर वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपने और अपने पार्टनर्स की टोटल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के हर बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ाने का एक खास तरीका है, वो क्या है? नेटवर्क को बढ़ाइए। चाहे वो डेल कंप्यूटर्स वाले हों, चाहे वो सोनी वाले हों, चाहे वो TVS और बजाज की मोटरसाइकिल बेचने वाले हों, चाहे वो होंडा की कार बेचने वाले हों, चाहे वो नेस्ले वाले हों, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले हों, हर एक बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप चाहें तो अकेले करते रहिए, जितना वॉल्यूम करेंगे उसके हिसाब से पैसे आएंगे, या फिर चाहें तो आप अपना नेटवर्क बना लीजिए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी आपकी इनकम होगी। तो अगर इस बिजनेस में हैं तो याद रखिए, पैसे ऐसे वैसे नहीं आते हैं, पैसे वॉल्यूम से आते हैं। वॉल्यूम पे फोकस रखिए, अपनी एक अच्छी मजबूत टीम का निर्माण करिए और आप अपने सारे सपने इस खूबसूरत बिजनेस से पूरे कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप शाइनिंग और आपसे जल्दी ही मिलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग FAQs के अगले एपिसोड में। ये 6th एपिसोड था। अगर आपने पहले 5 एपिसोड इस सीरीज के नहीं देखे हैं देन यू कैन गो टू माई YouTube चैनल दीपक बजाज और आप सारे एपिसोड इस सीरीज के देख सकते हैं। हर हफ्ते आपके खास सवालों के जवाब एब्सोल्युटली फ्री इन दिस ब्रांड न्यू YouTube सीरीज, बिकॉज वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।